अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद सदफ एंड मॉस। और आज जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं टोमेटो प्यूरी की रेसिपी आपको दूंगी, तो ये देखिए, ये मैं टोमेटो प्यूरी बना रही हूँ आज। ये मैंने टोमेटोज लिए हैं तकरीबन 2 kg, और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ब्राउन शुगर 1 tablespoon, और सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी मैंने लिए हैं 2 से 3 स्टिक्स लिए हैं, और एक मैंने तेज़पत्ता लिया है। अब यहाँ पर वही टोमेटोज को मैंने चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और चॉप करने के बाद आप इसको मोटा मोटा चॉप करें, ताकि आप इसको ब्लेंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छा सा ये ग्राइंड हो जाएगा। और ये देखिए, मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैंने विदाउट वाटर ब्लेंड कर लिया है। इसी के अंदर बहुत अच्छा पानी होता है, अगर आप चाहें तो पानी डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आप ग्राइंडर में कर रहे हैं तो। ये देखिए, अब मैंने इसको छन्ने में डाल दिया है, आप किसी भी छन्ने में इसको डाल सकते हैं, और उसमें फिर आप इसको चलाते जाएं ताकि इसके बीज और जो छिलका है वो अलग हो जाए। ये ऑल पर्पज़ प्योरे होती है, और इसकी आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखना है तो आप इसको फ्रीज़र में रखें। मैं इसकी क्यूब्स बना के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। जब तक मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये स्ट्रेन हो रहा है, और इसमें सारे बीज और छिलके अलग हो जाते हैं बिल्कुल। और ऑल पर्पज़ ये प्योरे है, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 1 क्यूब है वो तकरीबन 1 बड़े टमाटर के बराबर होती है, और मैं इसको हमेशा बना के रखती हूँ, मुझे बहुत आसानी रहती है, बहुत टाइम सेविंग रेसिपी है इसकी। आप बना के एक दफ़ा रख लेंगे तो आपकी लाइफ सेफ हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, और आपका टाइम बहुत बचेगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा स्ट्रेन हो रहा है, अभी भी इसमें बहुत सारा पल्प मौजूद है। मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, और अच्छा खासा ये इसका मिक्सचर जो है वो स्ट्रेन होके निकल गया है। अब मैं इसको एक पैन में डालूँगी, और इसको विदाउट ऑयल आपने पकाना है। ये देखें, इसमें ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ब्राउन शुगर और तेज़पत्ता। ब्राउन शुगर हम लोग इसमें इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो, एक तरह से ये कलर को प्रिजर्व करने के लिए हम डालते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है अब, और इसको आपको खुला ही पकाना है, और आप इसको मीडियम हीट पर पकाएं। थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको पकने में, इसका पानी खुश्क होने में। ये देखें, पानी इसका ड्राई होने लग गया है। ये देखें, बहुत इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी हो जाए उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, और फिर इसको आप जमा सकते हैं। ये देखें, इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो गई, बस यही हमें रिक्वायर्ड थी। ये देखें, और कलर आप इसका चेक करें, कितना अच्छा कलर है। मुझे तो इससे बहुत आसानी रहती है, मैं इसको बना के रख लेती हूँ जब टमाटर सस्ते होते हैं। और जैसे कि आपको पता है, टमाटरों का कोई पता नहीं होता कब इसके प्राइसेस हाई हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप जैसे ही टमाटर सस्ते हों आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना के रख लें। मैं इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ, ये मैंने सिर्फ 2 kg के बनाए हैं। ये देखिए, पानी इसका ड्राई हो गया है सारा। अब मैं इसको क्यूब्स में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस मोमेंट पर इसको जार में निकाल के रख लें, और उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, और विद इन 1 वीक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इस तरह क्यूब्स बना के सेव कर लीजिए उसको, और उसको फिर फ्रीज़र में रखें। फिर जब भी आपको इसको यूज़ करना है, आप आधे घंटे पहले इसको, जितने भी क्यूब्स आपको डालने हैं आप उसको बाहर निकाल के रखें आधे घंटे पहले, और वो मेल्ट हो जाएंगे, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी ये,
और ये बहुत अच्छी है, आप इसको बना के रखें, टाइम सेविंग है, लाइफ सेविंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।